2 मिनट के लिए आंख बंद करना। और ये आपका घर है और इस वक्त इस हालत में है। सरकार से भी निवेदन करूंगा और लोगों से निवेदन करूंगा, कोसी बांध टूटने से जो इस गांव की तबाही हुई है वो इतिहास में लिखा जाएगा इस चीज़ को कि ऐसा अभी तक 56 साल में इंसान ने देखा नहीं था जो तबाही इस गांव में हुई है। और 1 बजे रात में बांध टूटा और 1:30 बजे तक गांव को पोसता हुआ चला गया। कितना मकान रहा होगा यहाँ पे? 500 घर की आबादी थी जिसमें से 200 घर गायब है। अगर खड़े होके अपने आपका घर अगर उजड़ जाए और आप एक दिन खड़े होके इस मंजर को देखिए, जरा सोचिएगा, बस 2 मिनट के लिए आंख बंद करना। और ये आपका घर है और इस वक्त इस हालत में है, मतलब अंदर से पूरा सहम जाता है आपको। रामविलास साहू जी का मकान दिखाओ, देखो जो पुलिस आई था उसके नीचे 3 मकान है, इसके नीचे दिया है 3 मकान है, इसके नीचे तो ऊपर है, इसके नीचे 3 मकान है, 3 मंजिला है। अच्छा, सरकार से भी निवेदन करूंगा और लोगों से निवेदन करूंगा। मुझे पता है कि आप सबने वायनाड के लिए बहुत मदद की दी है। आपसे अपील है कि बिहार के इस पिछड़े इलाके में और दूर इलाके में जहाँ पे एक आप इसे मैन मेड डिजास्टर कहो और या फिर प्राकृतिक आपदा जो भी कह लो, लेकिन आपको मदद करनी होगी। अभी भी लोग आपकी मदद के इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू। सामने सब पलट गया, ये भी मकान ही है, गोदरेज वगैरह सारा चीज़ हम नीचे ही है जो निकल नहीं पाया, निकल नहीं रहा है कोई सामान, वो सामान उधर मकान उधर पलट गया। ये वाला मकान इनका है, मोटरसाइकिल भी था सर, मोटरसाइकिल क्या हुआ था वायनाड में 1:30 बजे रात में, वो समझ लीजिए करीब 5, मतलब बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा चलने लगा था, ऊपर से चला और ये समझ लीजिए एक गांव ये है और एक गांव ये है, उसने दोनों ही गांव को अपने साथ ले लिया। आप वहां पे भी जाओगे तो पूरी जमीन मिलेगी और वहाँ कोई बचा नहीं। वहाँ उस गांव में वायनाड में जाइएगा आप, उस गांव के दो दो जहाँ दोनों गांव में, तो वहाँ दिखेगा नहीं, कभी स्कूल था, मंदिर था, मस्जिद था, क्या कहते हैं, लोगों के घर थे, दुकान था, कुछ नहीं बचा। वहाँ हिम संकलन हुआ था ना सर, पहाड़ जो है ये पिघला था।